पानी गंदा है, पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं फिर भी हम सीते जा रहे हैं, जीवन में सुख शांति नहीं लेकिन सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं, सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। अभी अपनी गाथा में बहुत सुंदर बात पढ़ी कि जो शरीर का उपकार करता है वह आत्मा का उपकार करता है, और जो आत्मा का उपकार करता है वह शरीर का उपकार करता है। ज्यों ज्यों भोग मनोग मनोरथ मन वांछित फल पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। और सुंदर बात कही है, तृष्णा चिसा परिदहन तिना शांति रासा मिष्टेन्द्रियार्थ विवे परिवृद्ध रेपे स्थितेव काय परिताप हरम निमित्तम मिथ्यात्मान विषय सौख्य परांग मुखो। कहे तृष्णा चिसा परिदहन तिना शांति रासा, तृष्णाओं की आग कभी बुझती नहीं है, तृष्णा की आग कभी विषय भोग से नहीं बुझती है। तृष्णा की आग को बुझाने के लिए तो आत्मा की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा, आत्मा के सन्मुख होना पड़ेगा। हम जितनी चीजें भी जुटा लें संसार में भोगों की आकांक्षा से यदि तृप्त होते तो चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेते। यदि भोगों से शांति और संतुष्टि मिलती तो चक्रवर्तियों को क्या कमी थी, तीर्थंकरों को क्या कमी थी। लेकिन वास्तव में भोग महा रोग की तरह होते हैं। बड़ी सुंदर बात कहिए कि संसार के विष और नाग और आग तो एक बार जीवन को हरण करते हैं, लेकिन विषय रूपी पंचेंद्री नाग तो जीवन को एक बार डस ले तो अनेक जीवों में अनेक जीवन समाप्त कर देते हैं। लेकिन सच पूछो, विषय भोग का मतलब ये नहीं कि आप लड़के छोड़ दो, आँख फोड़ लो, जीभ काट लो, कान काट लो, कान में रुई ठूस लो, ऐसे नहीं होता है। जिस दिन तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा, क्योंकि समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, ग्रह कर्म नापिनिष्ठम खलु ग्रही विमुक्ति नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुदम मलम धावते वारे। उन्होंने कहा तुम ग्रस्त में भी रहते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि खून का धब्बा खून से नहीं धुलता है, खून का धब्बा पानी से धुलता है। इसलिए गृहस्थी में कुछ यदि आरंभ झूठ सच बोलना भी पड़ता है तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखना। जो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं उनके साथ चलना। और कुंद कुंद स्वामी तो रैण सार में यहाँ तक कहते हैं कि तुमने असही मिथ्या दृष्टि को यदि सम्यक दृष्टि बना दिया और सम्यक दृष्टि कल के रोज देशव्रति बन गया, महाव्रति बन गया। देशव्रति बनेगा तो महाव्रति बनेगा ही बनेगा, और महाव्रति बन गया तो कल के रोज श्रेणी भी चढ़ेगा, और श्रेणी चढ़ेगा तो फिर सिद्धालय अवश्य जाएगा। तुम पत्थरों के भगवान बनाओ या नहीं बनाओ, जीवंत लोगों को भगवान बनाना। क्यों? क्योंकि क्या कहा है कि आपको जो कुछ मिला है आपको पता नहीं है, हमें जो मिलता उसे हम भूल जाते हैं। जो हमें मिलता है उसे हम भूल जाते हैं, नहीं मिलता उसकी बहुत याद आती है। आपको पता, दांत टूट जाए तो दांत की याद आती है, आँख फूट जाए तो आँख की याद आती है, पूरे जीवन पैरों से चला पैरों का याद नहीं रहा आपको, जिस दिन फ्रैक्चर हो जाए उस दिन बड़ा पैर की याद आती है, पूरे जीवन भर रोटी पची रस बना याद नहीं रहता है, जिस दिन लीवर खराब हो जाए तो याद आता है कि अरे इतने दिन था पता नहीं चला। क्योंकि हमें एहसास ही जब होता है जब हमारे पास से चीज़ चली जाती है। हम दूसरों को दोष देते हैं, हमने कर्म कैसे किए। आप सोचते हो कोई दान देने से विशेष पुण्य ऊपर से टपक कर आएगा, नहीं। लोहक कसाए पड़ियो मरियो न संदेहो, कहते हैं कुंद कुंद स्वामी कि तू लोभ कसाए में आसक्ति में यदि इकट्ठा करके मर भी गया तो नियम से नरक जाएगा, संदेह की बात नहीं है। और एहसास करना कि इतनी विभूति मिलेगी फिर नरक जाओगे, कितनी तकलीफ होगी, इतनी बढ़िया सुविधा में रहकर नरक जाओगे, त्रियंच जाओगे, कितनी तकलीफ होगी,
इसलिए उन्होंने कह दिया उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपोनिधि, क्योंकि उच्च गोत्र की प्राप्ति तपस्वियों को कहाँ है। देव पूजा के लिए उन्होंने 6 गाथाएं अलग लिखी हैं, लेकिन गुरु उपासना के लिए लिखा है तपस्वी निधिसु, यानी जो तपस्या के निधान है, खजाने हैं, उनको प्रणाम करने से तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है, उनका स्मरण करने से तुम्हारी कीर्ति बढ़ती है, उनको दान देने से तुम्हें भोग की शक्ति प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना हम कैसा दान देते हैं, कहीं पर भी गए लिए हमने गुल्लक में डाल देते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुल्लक में मत डालो, लेकिन ये भी देखो कि कोई त्यागी तपस्वी की अच्छी समाधि हो सके। मेरा तो संकल्प रहता है 3-4 माता जियों के साथ ऐसा हुआ, यदि उनके पैर टूट गए, जल गए या कुछ भी हो गया, दिमाग में गर्मी बढ़ गई, तो सब लोग कहते हैं अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। मैं कहती हूँ क्या नहीं हो सकता है, इंसान से भगवान बन सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। अरे पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जाते हूं। क्योंकि जीने के लिए कमाना चाहिए, लेकिन कमाने में जीवन नहीं कमाना चाहिए। आदमी बड़ा बेईमान है, पहले इतनी मेहनत लगन से पैसा कमाता है, शरीर तक का ध्यान नहीं देता है, आत्मा तक का ध्यान नहीं देता है, फिर शरीर को ठीक करने में वो पैसा लगा देता है। ध्यान रखना निर्माल वो नहीं है जो तुम मंदिर में बोल जाते हो, निर्माल वो भी नहीं है जो चढ़ा के हाथ लगा दे। तुमने कि कितना बेईमान आदमी, इतनी सी सस्ती सी चावल को हाथ लगा देगा तो हाथ धोएगा, और जो घर में कमा कमा के इतना रख रखा वो सब निर्माल है। कुंद कुंद स्वामी का रैण सार उठा कर देखो उन्होंने क्या कहा है कि यदि तुमने 10वां भाग नहीं लगा पाए तो अपना पैसा लेके नदी में डूब जाना, क्योंकि आपको पता है और कहाँ लगाना। हम तो कहते हैं पंचम काल में तुलसी जी तक कहते हैं, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ा भलाओ लेवे को प्रभु नाम। देने को टुकड़ा इन्हें रोटी भली है और लेने को प्रभु नाम है, दो काम कर लेना। और यही हमारे कुंद कुंद स्वामी ने कहा दानम पूजा मुखम ना साविया तेण बिना, उसके बिना तुम श्रावक नहीं हो। तो आप सबको यही कहूंगी, सब लोग कहते माता जी उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने गलत दवाई दे दी, उसने बेईमानी कर दी, उसने हमारे घर को कुछ करा दिया। हमने कि कौन करा सकता है, यदि पुण्य का उदय है तो छप्पर फाड़ कर आएगा, और पाप का उदय है तो ताले तोड़कर चला जाएगा। अभी भैया आपसे कह रहे थे कि माता जी ने आशीर्वाद दिया, सच पूछो जिस बार में वहां थी वहां भैया को पहचानती नहीं थी, लेकिन मैं जब अलवर निकली तो बाबू जी लोग बहुत आगे आगे होते थे, मैं भूल गई, वैसे तो बहुत लोग आते हैं, अब बड़े शहरों में तो एक दिन में इतने लोग आते कि याद भी नहीं रहता। अब सहारनपुर में एक व्यक्ति है नरेंद्र भाई स्वस्तिका मेटल वाले, वो 70 किलोमीटर डेली आते थे, 70 आना और 70 जाना, और मैंने उनसे एक दिन भी बात नहीं की। मैंने एक दिन जरूर कहा तुम क्यों आते हो रोज़ रोज़, हमारी बात तो हो नहीं पाती है। कहने लगे माता जी मैं देख के चला जाता हूँ। और ऐसा नास्तिक कि लोग उनकी वाइफ बताती हैं कि माता जी आपसे मिलने के पहले इन्हें कभी भी अपने आप से नहीं आए, इन्हें उठा कर लाना पड़ता था क्लब से, आप समझ गए। उनकी वाइफ कहती थी इन्हें क्लब से लाना पड़ता था, लेकिन जब वो जुड़े तो आज एक लव्य कहती हूँ कि आप कितने भी आप उन्हें शांति धारा दे दीजिए, यदि मैं किसी वजह से उठ गई तो वो छोड़ के आ जाए। और उनसे कहो तो कहते मैं तो भगवान ही आपको मानता हूँ, उन्हें समझाओ कि ऐसे नहीं होता, भगवान भगवान है, हम हैं। वो कहते हमें पता नहीं, हमने तो आपको ही देखा है भगवान के। मैंने उनकी आस्था देखिए, और बहुत बड़ी उनकी व्यवस्थाएँ, मेटल की एक्सपोर्ट आदि होता, बहुत बहुत बड़ा काम उनका। जब वो मुझे ले जाते हैं, जब भी मैं जगाधरी 3-4 बार हो आई, तो आप सोचिए कि उनको ऐसी आदत पड़ी है, मतलब
कि पूरे तो कॉलोनी को क्या, पूरा जहां मंदिर से लेकर उनकी कॉलोनी तक सजवाते हैं और इतने बेहतरीन तरीके से प्रवेश कराएंगे और उन्होंने हार, यहाँ भी आएंगे तो हार देंगे मुझे, अब थोड़े बूढ़े हो गए हैं लेकिन। और सबसे अच्छी बात बता दूँ, एक बार मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कोई गलत दवा चल गई थी, तो वो उस समय भी आते थे रोज़ 70 किलोमीटर दूर, अब 3 दिन तक मेरी बात के दर्शन भी नहीं होते थे मुझे, बहुत ज़्यादा कोई गलत दवा, जो 2 दवाइयाँ 2 गोलियाँ चलनी थी वो मुझे 80 गोली किसी ने पानी में घोल के दे दी। हम हमेशा कहते हैं कि दवा खाओगे तो पहले रोग को खाएगी, ज़्यादा खा लोगे तो रोगी को ही खा लेगी, वही हाल हुआ। लेकिन जब वो तीसरे दिन आए उन लोगों से पूछा कि क्यों नहीं बोल रहे माता जी, किसी ने बताया कि माता जी को बहुत चक्कर आ रहा है और माता जी उठ नहीं पाती हैं, तो बोले क्या हो गया, किसी ने बताया कि कोई गलत दवा चल गई, खाने वाली को पता नहीं हो, किसी ने बोला ये दवाई है उसने पानी में घोल दी, तो मुझे भी पता नहीं चला कि ये वही दवाई है। लेकिन आप देखिए ऐसी भक्ति होना चाहिए। उनकी दुकान में रामदेव काम करते थे पहले, साइकिल से जब बेचते थे तो उनकी हरिद्वार में शिमला में होटलें हैं, तो वो उन्होंने रामदेव के पास जाकर कहा कि मेरी माँ को कोई गलत दवा चल गई है, कुछ दवा दे दो तो मेरी माँ ठीक होना चाहिए। और उसने कोई ब्रांडेड दवा नहीं थी, ऐसी कुछ मिला के दे दिया। मुझे 3 दिन तो बहुत उल्टी हुई, लेकिन उसके बाद ये देखिए, जब मैं आपसे क्यों कह रही पुण्य का उदय होगा, मेरा हीमोग्लोबिन 4 ही रहता था उस समय, लेकिन कुछ ऐसा कि देसी खाना था, मैंने खेत की हर सब्जियां खेत की, हर चीज़ खेत की, उस गांव में मैं थी 10 घर की समाज में मेरा चतुर्मास हुआ था और उसी समय 1.5 महीने के अंदर हीमोग्लोबिन मेरा 10 हो गया। तो आपसे क्यों कहा, आप किसी को नास्तिक मत समझिए, किसी को गलत मत समझिए, अपने परिणाम अच्छे रखिए, जब तुम्हारे 100 रास्ते होंगे तो जीवन में तुम्हारे सुख और शांति आएगी। क्योंकि आप लोग रोज कहते भगवान कर्म दुख देता है, कर्म दुख देता है, मैंने कि कर्म दुख नहीं देता है, तुम कर्मों का आगमन बड़े अच्छे से करते हो। आपको पता है कार्ड पर क्या लिखते हो, नए निमंत्रण भेज रहे गए हैं प्रीवर तुम्हें बुलाने को, हे मानव के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। वो राजहंस 15 दिन रुक जाए तो कैसा लगेगा, मेहमान 15 दिन रुक जाए तो राजहंस लगेगा कि फिर कंस लगेगा, वो फिर राजहंस नहीं लगेगा, वो कंस लगेगा। इसी प्रकार से पहले शादियाँ होती थी 8 दिन 15 दिन लोग रुके रहते थे, लेकिन अब शादियाँ होने लगी कितने दिन रुकते हो, हाँ 1 घंटा भी, सोच कर देखो कितनी सोच छोटी हो गई। जितना खर्चा आज 1 दिन में करते हो उसमें हमारे महीना भर पूरा समाज खाना खा ले, क्योंकि हमने सिर्फ माला फेरी है उत्तम आकिंचन धर्म की, उत्तम शौच धर्म की, हमारी गति तो और विपरीत जा रही है, जठे दिट्ठी बटे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। तो जब मेहमान आया सब मेहमान चले गए, लेकिन वो 15 दिन हो गया, पत्नी ने बोली देखो जी जाता नहीं, पति बोला देख कुछ कह नहीं सकते, घर का दमान है वो, घर का दमान, मैंने दम से पहले दम से आखिरी दम तक उसे आमंदी होती रहे, पहले दिन पक्की करने जाओ तब भी कुछ दो, फिर आपके घर कुछ हो तो उसे विदाई में दो, उसके घर हो तो मिलनी में जाओ, कुछ ना कुछ देते रहो, भात दो त्योहार दो तो देते रहो उसे, इंटरनेशनल भिखारी, उसे जमाई भी कहते हैं, जमाई का मतलब तुम जमा जमा के कमाई करो फिर उसको इकट्ठी दे दो, उसे जमाई भी कहते हैं। तो वो बोला जमाई है कुछ नहीं कर सकते, पत्नी बोली मैं बताती हूँ क्या करो, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोले क्या करें, तो बोले कि कल सुबह मैं खाना नहीं बनाऊंगी। बोले फिर, बोले तुम मुझे डांटना फिर मैं बोलूंगी नहीं उठती, तुम मुझे फिर और डांटना फिर मैं बहस लगाऊंगी, फिर तुम मुझे कहना कि ज़्यादा बोलेगी तो पीट दूंगा, लेकिन मुझे पीट मत देना, एक डंडा लेना और पलंग में मारना, मैं रोऊंगी तो वो चला जाएगा। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, बोला उठ, सुबह 7 बज गए सो रही है, बोले मैं तो मेरा सिर दुखता है, मेरा सिर दुखता है मैं नहीं उठूंगी। पति बोला उठ रही कि नहीं, मेहमान आए, बोले वो तो 15 दिन से यहीं पड़े। पति बोला उनके लिए तू ऐसा बोल रही, बोली खूब बोलूंगी क्या कर लोगे, बोले पीट दूंगा, बोले पीट के दिखाओ हिम्मत हो तो। उसने लिया प्लान के अनुसार, उसने डंडे में मारे, पत्नी बोली ये मेहमान मेहमान मेरे घर में झगड़ा करा रहे हैं, मुझे गुस्सा आ गया, इन्हीं को पीट के रख दूंगी।
मुझे पिटवा रहे हैं। अब मेहमान बगल के कमरे में सो था, उसने कहा इसे पता तो मैं बगल में रुका हूँ और इतना चिल्ला रही, क्या पता पीट ही दे तो रही सही इज्जत और चले जाए। उसने उठाया सूटकेस और जीने उतरने लगा। पत्नी जल्दी में थी, बोली देखो जी चला गया ना। पत्नी बोली देखो जी चला गया ना। पति बोला देख मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं। वो बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं। तो मेहमान बोला देखो मैं सच में गया तो नहीं। ऐसी तुम्हारी झूठी आराधना और झूठी उससे कुछ नहीं होने वाला। आप लोग भी अपने जीवन में जो मिला गए, धन मिला गए, तन मिला गए, मन मिला गए, बुद्धि मिली है, विवेक मिला गए और पांचों इंद्रियां सांगो पांग मिली है, यदि काने हो जाओ, लूले हो जाओ, लंगड़े हो जाओ तो हार देने को तरसोगे। लोग कहते थे हम तो अनुबोधना ही कर लेते हैं, हमने कि अनुबोधना का पात्र कौन है कभी विचार करना। तो आप सबको यही कहूंगी कि वास्तव में जो शरीर का उपकार करता है, इंद्रियां हमेशा शुरू में तो प्रिय लगती हैं वस्तुएं और बाद में वही अप्रिय हो जाती हैं। जो आम हो या कोई सब्जी हो, शुरू में आती तो लगता है मजा आ गया आज, और महीना भर वो ही खाने दिया जाए तो अरुचि हो जाएगी। और ऐसी खाने का हो, सुनने का हो, बोलने का हो, मिलने का हो, हर वस्तुएं पहले भौतिक पदार्थ इंद्रियों की जो भोग सामग्री वो शुरू में प्रिय लगती है, बाद में अप्रिय हो जाती है। त्याग तपस्या जो श्रेष्ठ मार्ग है वो शुरू में कठिन लगता है, लेकिन मिल जाए तो श्वासत सुख दिलाता है। हम सबको श्वासत की तलाश करना है, क्योंकि बेहतर से बेहतर की तलाश कर और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। ध्यान रखना मंदिर और मूर्तियाँ तुम्हारे लिए माध्यम है, उस मूर्तिमान को याद दिलाती हैं, लेकिन तुम्हारे दिल नहीं बदले तो समझ लेना कि अभी तुम्हारी काल लब्धि आई नहीं है, अभी तुम्हारा पुरुषार्थ सही ढंग से नहीं हुआ। और ध्यान रखना, लोग कहते हैं माता जी के आशीर्वाद से काम हो जाता है, मैं कहती तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारा जब पुण्य का उदय, देव सास गुरु के प्रति समर्पण का भाव आता है, तब आपके काम सहज में हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी पुण्य प्रकृतियां भी तो समय प्रबल हो जाती हैं विशुद्धि भाव से। और आपको बता दूं कि मेरे जीवन में दो ही मुझे सहारे हैं, और ऐसा नहीं कि मैं कहूं कि कोई को मैं जो भी चाहती हूं, मैंने जहाँ जो चाहा कोई विश्वास नहीं करेगा। तीनों संस्थाओं में आज तक मैंने शिखर जी नहीं देखी कहाँ हैं। मैंने महावीर जी करीब 22 साल बाद सोनागिर 22 साल बाद चौका देखा था कि कहाँ हैं। सिर्फ मैं यहाँ से भावना भाती हूँ, ऊपर वाला पूरी कर देता है हर शुभ भावना वाना। और सबसे बड़ी बात है एक नहीं अनेकों अनेक लोग, अभी जगाधरी से लोग आएंगे, उनको कैंसर हो गया था और वो उसके पहले कभी मंदिर ही नहीं जाते थे, वो भी अजय भाई तो जानते हैं अजय भाई, और इनके गुड़गावा में आए थे और बॉम्बे हॉस्पिटल की डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, काम अच्छा उनका। मैंने बोला चिंता नहीं करो, मैं सुधीर भाई को भिजवा दूंगी साथ में। लेकिन मुझे ये लगा कि ऐसा नास्तिक आदमी यदि आपके पास आ रहा है परमात्मा, तो ऐसा रास्ता दो कि लोगों पर तुम्हारे पर आस्था हो जाए। हालांकि देखिए परमात्मा की ऐसी कृपा रही, मैंने उनके लिए बहुत बहुत घंटे, क्योंकि वही मंदिर बनाऊंगा था तो उनके लिए जाप की, लेकिन उनसे कहा कि तुम क्या करोगे यदि, कहने लगे माता जी अपने आप को आपके चरणों में समर्पण कर दूंगा। और 10 दिन बाद दोबारा चेकअप कराया तो गांठ घुल गई थी, आज तक कोई दवाई और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो हमारे साथ 3 साल तक लगातार रहे पति पत्नी, और लगातार रहे नहीं उनका, अभी तो थोड़ा सा उनका बूढ़े हो गए हैं ज़्यादा तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन
घर में कोई गमी हो गई थी उनके, इसलिए उन्हें जाना पड़ा संग छोड़कर। लेकिन आपको बता दूं, कभी भी मैं विधान कराती हूँ, रानी ला विधान होना था, मैंने कहा शिखर जी भी बनेगा, चंपापुर भी बनेगा, पावापुर भी बनेगा, कैलाश भी बनेगा और सारे तीर्थ बनेंगे। एक व्यक्ति वही थे उस टाइम हमारे साथ ही थे, कहने लगे माता जी मुझे जो देना मैं दे के मैं तो जा रहा हूँ। हमने कहा क्यों? कहने लगे आपने अभी 18 लाख का ठेका दे दिया, 18 लाख की तो आपने बुकिंग कर दी और आप कह रहे जितने लोग आएंगे वो सब संस्था की तरफ से खाना खाएंगे, जितनी व्यवस्थाएं होगी सब संस्था की तरफ से होगी और आप कह रही हैं साड़ियाँ भी दी जाएंगी, कलश भी दिए जाएंगे और आप क्या कर रही हो? माता जी मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा, मेरे कपड़े फाड़ेंगे। हमने कहा तुम रुके रहो, तुम आखिरी दिन चले जाना, जिस दिन पेमेंट हो ना उस दिन चले जाना। तो कहने लगे माता जी सोचो तो, एक विधान मात्र बुक हुआ है और वो भी 21,000 का, और बोले आपने कम से कम जो लिस्ट बता रही उसके हिसाब से 50 लाख का खर्चा है। हमने कही मैं अकेली थोड़ी हूँ, वो भी तो है, मैं तो शुभ भावनाएं करती हूँ साथ में, वो भी तो है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, समाज वहाँ की जो पास में समाज वो नहीं आई, कहने लगी माता जी हम अपने आके थोड़ी ना माथे पर पत्थर गलवाएंगे, भाटे डालेंगे ना पत्थर डालेंगे, कोई आएगा ही नहीं, आपका कार्यक्रम सफल ही नहीं होगा। कहने लगे आप देख लेना एक जगह से कोई नहीं आएगा, इतनी ठंडी में इस कोड़ी काल में हरियाणा में बर्फ जमती है, यहाँ कोई आएगा क्या? हमने कि नहीं आने दो किसी को, मैं अकेले पाठ करूंगी, लेकिन 1 लाख भक्तांबर का संकल्प है, 1 लाख भक्तांबर किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और ऊपर वाले की ऐसी मेहर रही कि सच पूछो रोज 3 बसें 2 बसें डेली रात को आती थी, सुबह अभिषेक करने में फिर लेट हो जाता था, ठंडी के दिन में कोहरा बहुत होता था। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि वहाँ हमें मना करना पड़ा कि भैया आप पाठ नहीं हो सकते, 1 लाख भक्तांबर का नियम था, वहाँ 1,57,000 भक्तांबर हुए और जो 48 दिन का विधान था वो 57 दिन रखना पड़ा। उसके बाद भी मैंने कहा भैया अब जितने विधान वाले हो एक दिन में कर लो, और करीब 65 लाख खर्चा होगा उसमें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ वो भी तो है। सब भावनाएं करना, बाद में बहुत कुछ ऐसे थोड़ा सा बच गया था तो संस्था वाले बोले जो ट्रस्टी लोग रहते वो तो कहते हैं माता जी इसको तो वहाँ भेज दो। मैंने कहा नहीं, मैंने पहले दिन इस दरबार में ये सौगंध खाई थी कि परमात्मा तू लाज रखना, यहाँ जो होगा वो सब तेरे यहाँ देखे जाए। ध्यान रखना वहाँ सबसे ज़्यादा जैनियों ने तो की जापे, लेकिन जो मीना गुजर मिस्त्री तमेरे लोहार इन लोगों ने कम से कम 50 लाख से ज़्यादा जाप किए, 50 लाख। हम तो फिर भी भक्तांबर बोलते बोलते इधर देख लेंगे उधर, उन्हें तो हिलाना ही पड़ता था, यदि उनसे कुछ कहना हो ना कि उससे कह दो। और ऐसे लोगों ने नहीं कि मेयर हो कर्नल हो, सब वहाँ के जो सरपंच आदि थे, बाद में उनकी पत्नी हमारे साथ बहु बहुत जुड़ी हुई थी, हमसे कहने लगी माता जी दक्षिणा देना है, आप बोलो क्या देंगे, गुरु बनाए आपको तो दक्षिणा तो देना ही है। मैंने कही दक्षिणा यही दो कि इस मंदिर में तुम्हारे घर का एक दीपक रोज आना चाहिए, क्योंकि और दक्षिणा नहीं, हमारे जंगल में जहाँ मंदिर है वहाँ के यदि लोकल लोग प्रशासनिक लोग जुड़े रहेंगे तो हमारे मंदिर में कभी आँच नहीं आएगी। तो आप भी ध्यान रखना, आपके यहाँ वो पावन जाप होने वाले हैं, और इन भैया लोगों के तो हर साल जाप होते ही हैं, इन्हें कलश दिए जाते हैं, तो आप लोग भी भाव बनाना जिन लोगों को भी, क्योंकि साल भर जो भी पीछी हो कमंडल हो साड़ियाँ हो, कल भी कहीं हमने साड़ियाँ भेजी थी, अभी एक दिन 35 साड़ियाँ कहीं भेजी, तो जितना भी हो चाहे साड़ियाँ हो पीछी हो कमंडल हो भैया व्रति हो गरीबों को हो पढ़ाने की बात हो। और जिस महिला ने हमसे अभी बात कही थी, वास्तव में मुझे देखकर बहुत खुद रोने लगी थी कि उनकी उनके चारों बच्चे बिल्कुल माइंड से भी डिस्टर्ब हैं और वैसे भी, और वो कहीं खाना बनाती हैं तो बेचारी को कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। मेरा मन था लेकिन थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के हिसाब से भेज सकते हैं, तो आज हमने कह दिया कि अभी आई थी, वहाँ भी बहुत बार आई सिरोंज तक आई, लेकिन थोड़े हम रास्ते में बिहार में थे, आज दोबारा आई हैं तो मुझे
कुछ विश्वास से और वैसी संस्थाओं से भी हम सहयोग देते रहते, तो कोई भी संस्थाएं बात मान जाती हैं, तो आज ही हम किसी को भेज देंगे और उनके बच्चे को परसों तक हम शिफ्ट करा देंगे। ये आशीर्वाद है, क्योंकि हम किसी पर नहीं टालते हैं, हम किसी पर टालने की आदत नहीं है। आपके भी भगवा गुहारा में भी ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनकी की माँ बाप को भी बहू बेटा निकालने को तैयार है कि इसको रखोगे तो हम निकाल देंगे। हमने कहा हमारे जैन बच्चे, उन्होंने कहा कि माता जी हम तो कहीं पर लगता है कहीं छोड़ के आ जाएं दूर, फिर चाहे मरेगा चाहे जिएगा। हमने कहा जैन कुल में आने के बाद क्यों मरेगा जिएगा, मैं हूँ आपके बच्चे को। परसों उस बच्चे को उसने बदनामी करने लगा, थोड़ा डिस्टर्ब था, वो ठीक हो गया। तो इसीलिए आप भी ध्यान रखना कि हम लोगों को जीवंत मंदिर तैयार करने हैं, और अपने जीवन में तुम दान देकर खुश मत होना कि तुमने दान दे दिया, तुम्हारे पापों का प्रक्षालन हो गया। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैंने वादा किया था कि आपको टाइम से छोड़ दूंगी। आप सब लोग भी जाप में जिस पर धन नहीं हो वो तन से देना, और जिस पे धन हो वो धन के साथ साथ तन और मन जरूर देना, भूल से भी। क्योंकि भैया लोग कह रहे थे माता जी जाप हो जाएगी, हमने कहा हम हर जगह संकल्प लेते हैं, जहाँ 1 करोड़ की संकल्प लिया होगा वहाँ 5-5 करोड़ हो जाती हैं। तो आप सबको भी आशीर्वाद। आपको कहा हमारी जैन बहुएं एक बार निकल के नहीं आ सकती हैं, और वो कविता भाभी जो मेयर की वाइफ है, और वो दिसंबर के महीने में हमारे लिए पानी लेकर 2 किलोमीटर दूर, आप समझते हैं 2 किलोमीटर दूर रानीला में नंगे पैर पानी लाती थी शुद्ध कपड़ों में। तो आप सबको यही कहूँगी कि ये हमारे जैन समाज को हम विशाल करें, सब लोगों के घरों पर पैर रखने। लोग आहार की जिद कर रहे थे, हमने कहा आहार को नहीं जाएंगे, तो कहने लगे आपके पैर रखवाना तो मैं गई थी, लेकिन एक औरत गरीब थी, मिस्त्री, कभी काम मिलता था 100-200 का, कभी नहीं मिलता था, उसके पति थे नहीं, तो कहने लगी माता जी आप मेरे घर तो नहीं जाओगी, क्योंकि सब लोग तो बहुत इंतजाम कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा तुम्हारे घर भी जाऊंगी। उसने कहा तखत नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे नीम के नीचे बैठ कर आऊंगी। तो आप देखिए ऐसे लोगों को हमें जोड़ना है इन्हीं भावनाओं के साथ। गुड़गांव वालों को, ललितपुर वालों को, और भी जो जहाँ से आए सभी को आशीर्वाद। जय वाणी।